नमस्कार महाराष्ट्र माझा, आपण पाहत आहात आपलं लोकप्रिय चॅनल मायराणी आयराणी न्यूज चॅनल। आजच्या बातमीपत्रामध्ये मी आपलं मनापासून स्वागत करत आहे। आजची महत्त्वाची बातमी आहे, श्री अन्नदाता सेवा संघ परिवर्धा यांच्यातर्फे परिसरातील शहादा तालुक्यातील सर्व मिरची भाजीपाला व सर्व फळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी मेळावा संपन्न। शेतकरी मेळाव्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी मार्गदर्शक म्हणून छत्तीसगड रायपूरहून मिरची भाजीपाला व फळबाग शेती अभ्यासू मार्गदर्शक श्री राजेशजी चावडा, श्यामरॉंग फर्टिलायझर कंपनीचे मालक श्री मनदीप चावला व आपले ज्येष्ठ मार्गदर्शक श्री नवीन पडियार सर यांची उपस्थिती या शेतकरी मेळाव्यामध्ये दिसून आली। अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीचे नियोजन आणि उत्कृष्ट पद्धतीने मार्गदर्शन या शेतकरी मेळाव्याला मिळाले। तसेच या मान्यवरांचा उपस्थित आपल्या शहादा तालुक्यातील तसेच परिसरातील मिरची भाजीपाला व सर्व फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या समस्या येत असतात, तसेच आधुनिक शेती कशी करावी, आधुनिक शेती करून शेतकऱ्यांचा विकास कसा गाठता येईल यावर मार्गदर्शन व चर्चासत्र म्हणजे सेमिनार आयोजित करण्यात आलेला होता। सदर कार्यक्रमाला परिसरातील शेतकऱ्यांनी परिवर्धा येथे जाऊन लाभ घेतला। अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीचं या ठिकाणी नियोजन पाहण्यास मिळाले। श्री अन्नदाता सेवा संघ परिवर्धा यांनी उत्कृष्टपणे या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं होतं। उत्कृष्ट पद्धतीचं मार्गदर्शन या शेतकरी मेळाव्याला लाभलं, त्यामुळे शेतकरी अतिशय प्रसन्न असल्याचं दिसून आलं। तर आपण प्रत्यक्षरित्या पाहूया मार्गदर्शकांचं मार्गदर्शन। उसको मल्च वल्च करके तैयार करके रखे, इस साल अपने पास टाइम है तो अच्छे से खेती बढ़िया गहरी जुताई करे, कम से कम सुखाए अच्छे से खेत को। यही अपन लोगों के लिए आगे के लिए फ्यूचर रहेगा। अपन जितना इधर लेट करते हैं उधर अपने लिए और घातक होते जाता है प्रोडक्शन का, तो ये आपको बहुत लंबा नुकसान देगा। शुरुआती दौर में आपको बिल्कुल हाथ से दबा के पानी देना है और दूसरे दिन भी चेक करना अगर एक पौधा भी ऐसे मुरझाया हुआ है, क्योंकि कई जगह पे अब मल्चिंग भी लगती है पैसा, वो पौधा मुरझाया, मल्चिंग को टच किया, पौधा जल जाएगा। तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार, जय सिया राम। अभी पिछले साल 20 थे अन्नदाता के, अभी 55 हो गए, अगले साल 3 होने जाने वाला है। और हर घर मतलब हर किसान के पैसे ऐसे घूमते हुए अपने जेब में आना चाहिए, ये हमारा मेन कंसेप्ट है। और दूसरी बात, रायपुर जुड़ने से किसान के 20% यील्ड बढ़ा है। और राजेश भाई चावड़ा ग्रुप, इन लोगों ने जो थेराटिकल माध्यम से अपने को जो भी कुछ दिया है, लेकिन खाली थेराटिकल से अपना कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अपन आधे से ऊपर तो निकल गए। अभी अपने को तीसरी जुगाड़ प्लस थेराटिकल अगर मिला है तो अपना जो टाइम पीरियड निकल गए वेस्ट वो अपन कुछ ना कुछ कवर कर सकते हैं। अभी आखिरी में एक राष्ट्रीय गीत होगा, और क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सबके पेट में चूहे तो दौड़ रहे, तो कुछ ना भी राष्ट्रीय गीत बोला जाएगा, सब खड़े हो जाएंगे और पौधा खराब होगा आपका। और यहाँ पे पौधे मरने की शिकायत सबसे ज्यादा जो आती है जून में, जो लगता है सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पे गेप रह जाता है कोकोपीट और मिट्टी के बीच में, तो इसलिए वहां पे पानी डालना जरूरी है। फिर दूसरे दिन चेक करें, अगर सब पौधे खड़े हैं, अगर 10 पौधे मुड़ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पे मिट्टी प्रॉपर दबी नहीं है या पानी प्रॉपर नहीं गया है। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा मानना है कि 98% आपके पौधे खेत पे सही मिलेंगे आपको। यानी गौरी मिर्ची लावलेली होती, त्यांचे उत्पादन एकरी 175 क्विंटल आलेले आहे, त्यांचा सत्कार श्रीमान मनदीप सिंह जी चावला यांनी करावा अशी मी त्यांना नम्र विनंती करतो। और जो अच्छे से दबे हुए थे उसमें अगर फर्क आप निकालोगे, अभी मैं अभी देख के वापस आ रहा हूँ, तो कम से कम नहीं तो 75% का फर्क था ग्रोथ का और प्रोडक्शन का।
तो ये आपको बहुत लंबा नुकसान देगा। शुरुआती दौर में आपको बिल्कुल हाथ से दबा के पानी देना है, दूसरे दिन भी चेक करना, अगर एक पौधा भी ऐसे मुरझा